सुकरात की दरसगाह का सिर्फ एक असूल था और वो था बर्दाश्त। ये लोग एक दूसरे के ख्यालात तहम्मुल के साथ सुनते, ये बड़े से बड़े इख्तलाफ पर भी एक दूसरे से उलझते नहीं थे। सुकरात की दरसगाह का असूल था कि इसका जो शागिर्द एक खास हद से ऊंची आवाज में बात करता या फिर दूसरे को गाली देता या धमकी देता या जिस्मानी लड़ाई की कोशिश करता, इस तालिब इल्म को फौरन इस दरसगाह से निकाल दिया जाता था। सुकरात का कहना था, बर्दाश्त सोसाइटी की रूह होती है। सोसाइटी में जब बर्दाश्त कम हो जाती है तो मुकालमा कम हो जाता है, और जब मुकालमा कम होता है तो मुआशरे में वहशत बढ़ जाती है। इसका कहना था, इख्तलाफ दलाइल और मंतक पढ़े लिखे लोगों का काम है। ये फन जब तक पढ़े लिखे आलिम और फाजिल लोगों के पास रहता है, उस वक्त तक मुआशरा तरक्की करता है। लेकिन जब मुकालमा या इख्तलाफ जाहिल लोगों के हाथ आ जाता है तो फिर मुआशरा अनार्की का शिकार हो जाता है। वो कहता था, कोई आलिम इस वक्त तक आलिम नहीं हो सकता जब तक उसमें बर्दाश्त ना आ जाए, वो जब तक हाथ और बात में फर्क ना रखे।